हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। और अगर स्वस्थ नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं सेहतमंद खाने के बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ। आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है, तो आइए मेरे साथ। हमेशा जंक फूड की बात होती है तो बच्चे बदनाम होते हैं, जबकि बड़े भी कुछ कम नहीं होते हैं। कुछ ऐसी हालत मेरी भी थी लॉकडाउन के दौरान, मुझे बाहर का कुछ खाना नहीं मिल रहा था। ये चटर पटर खाने की आदत की वजह से मैं बहुत परेशान थी। ये कोई टेली शॉपिंग नेटवर्क का ऐड नहीं है, एक्चुअली मैं अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन ऐसे ही व्हाट्सएप पे काफ़ी पहले मेरे पास कहीं पर कोई एक नंबर आया था, जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के डिशेस, उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो मैंने कहा होगा कोई, ऐसे ही मैंने इग्नोर कर रखा था। बट दिल में एक आया कि चलो यहाँ पर भी फ़ोन करके देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ था कि घर का खाना, घर के माँ के हाथों का बना हुआ खाना, वही घर का स्वाद। और आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 4 महीने से अब उस खाने की, उस जायके की हमें ऐसी आदत लग गई है कि कंट्रोल नहीं होता। अगर वो खाना नहीं मिला तो ना मुझे ही क्या, मेरे बच्चों का, इवन मेरे पापा मम्मी की भी पसंद बन गई है खाना। मेरे फ्रेंड्स भी ऑर्डर करते हैं, वहाँ से मंगाते हैं। और फिर मेरे मन में इच्छा हुई कि चलिए जो बनाता है उससे मिला जाए। तो आज मैं हूँ मिसेज हेतल जी के साथ में, और ये यही है इस पूरी कहानी की किरदार भी यही है, डायरेक्टर भी यही है, और आप कहें तो प्रोड्यूसर बिल्कुल यही है, प्रोड्यूसर भी वही है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं है, इन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन अब मैं जो कुछ भी आगे के व्लॉग में बताने जा रही हूँ, जो कुछ भी आप देखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं मैंने तो वो झूठ कहा था, ऐसा कोई जस्ट किसी ने किचन में जाकर कुछ बनाना शुरू कर दिया और इतना कुछ बन पाया, ये आसान नहीं है। लेकिन आप इनसे, इनकी बातों को सुनेंगे, इनके इनकी क्रिएटिविटी को देखेंगे, तो आप ज़रूर कहेंगे वाह मज़ा आ गया। तो देखिए रसोड़े में कौन था, तो रसोड़े में हेतल जी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर कुछ कहिए, कुछ बताइए आप। हेलो, मेरा नाम हेतल है, और मैंने अभी थोड़े टाइम से, जैसे नीलम जी ने बताया, थोड़े टाइम से मैंने अपना, जैसे लॉकडाउन में सब लोग बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ ट्राई करते थे, मैं भी ऐसे ही कुछ करना स्टार्ट किया मैंने भी। और धीरे धीरे होते होते उसका कुछ इनोवेटिव तरीके से, कुछ थोड़ा रिसर्च करके उसका एक अलग ही एक कंसेप्ट बनाया, जो जिसको आप प्रेजेंटेशन के साथ फूड अपना, जैसे किसी को गिफ्ट करें, गिफ्ट हैम्पर्स हाँ, तो फूड गिफ्ट हैम्पर्स बनाने मैंने स्टार्ट किए। और वो फूड गिफ्ट हैम्पर्स का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वो मैंने सोचा नहीं था। पहले तो मैं अपने ही घर के लिए ही बनाती थी जी, बट जैसे किस टाइप के फूड बनाते हैं, मतलब हाँ, तो फूड में मैं हर एक टाइप का, जैसे कॉन्टिनेंटल हो गया, इटालियन है, मैक्सिकन है, अफगानी डिशेस भी काफ़ी मैंने ट्राई की। कोई मानेगा नहीं, बट नहीं, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, इसी लॉकडाउन, अभी फिलहाल हम अनलॉक 4 में भी हैं, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप घर बैठे अफगानी डिशेस भी खा सकते हैं। सो अफगानी डिशेस खाने के लिए अफगान जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? हाँ, तो जैसे हम ज़्यादा करके, हम लोग जब देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल खाना जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है जी, हम लोग प्योर वेज है, हम लोग एग भी नहीं खाते हैं, बट वो सारे डिशेस को मैंने वेजिटेरियन में कन्वर्ट करके मैंने उसको बनाने के लिए ट्राई किया, और जिन जिन लोगों ने ट्राई किया उनको पसंद भी आ रहा है। यस, तो बहुत तरह से ये प्लेटर्स एंड पॉट्स की स्टार्टिंग हो गई है। सो इन्होंने जो ये आपने जो जिस नाम से शुरू किया है वो नाम क्या है? प्लेटर्स एंड पॉट्स, तो जिसमें हम लोग गिफ्ट हैम्पर्स बनाते हैं, फूड गिफ्ट हैम्पर्स, प्लेटर्स, तो जिसमें आपको मेनू में देखेंगे तो उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और गिफ्ट पॉट्स बनाते हैं, जिसके जो मूज पॉट है, अपना चॉकलेट मूज है, या तो फिर कुनाफा, जिसका शायद नाम भी नहीं, हमारे लिए मैंने तो आज तक सिर्फ मुनाफा सुना था जिसमें प्रॉफिट होता है, ये कुनाफा खाते हैं पता नहीं। हाँ, तो ऐसे काफ़ी सारे डिशेस हैं जिसके हम लोगों ने नहीं, बट मैंने वो सारे बहुत बढ़िया थोड़ा रिसर्च करके बनाए हैं।
अभी तो बस शुरुआत है, आज पहली बार ये इतना खुलकर बोल रही हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम फ़ोन पर मैंने इनको कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप इतना बढ़िया खाना बनाती हैं और कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, और ये ऐसी अलग अलग चीज़ें जो हमने अधिकतर नॉनवेज में सुनी थी या खाई हुई थी, बट वेज में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? तो इन्होंने मुझे बताया कि ये बाय प्रोफेशन ये ड्राइंग टीचर हैं, लेकिन इन्होंने अपने उस कला को, अपनी उस आर्ट को उन्होंने खाने में जो रूप दिया, अभी आपसे बात करते भी मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, तो अभी बोलना कम करते हैं, अभी हम देखते हैं कि बनाती कैसे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत कुछ आज पेट में जाने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस सफाई से, जिस अच्छे तरीके से और घर के सारे सामान को यूज़ करके किस तरह से ये बनाया जा रहा है, या आप देखकर आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ क्यों नीलम ने कहा है कि हाँ ये इतनी बढ़िया तरीके से बनाया जाता है और इसकी इतनी तारीफ हो रही है। तो आज आप क्या बना रही हैं? बर्गर। यस, तो आपको वे में हम लोग बर्गर बना रहे हैं। ओके तो हेल्दी आप कैसे कहेंगे कि मैं खाना बना रही हूँ तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा खाना है, लेकिन आप इसको हेल्दी आप क्यों कहेंगे? क्यों? देखिए, जो बर्गर का जो टिक्की रहता है उसमें जनरली हम लोग जब बाहर का खाते हैं हमें पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ से बनाते हैं, क्या करते हैं। जब हम लोग घर पे बनाते हैं तो उसके अंदर मुझे पता है कि मैंने कितने वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, मैंने क्या डाला है इसमें। जैसे ये बर्गर का टिक्की है उसमें सारे ही वेजिटेबल्स डाले हुए हैं, जैसे बीन्स हो गए, कैरेट हो गए, जो बच्चे ऐसे ही नहीं खाते हैं वो इसके रूप में चले जाते हैं उनके पेट में, और उनको पता भी नहीं चलता। बहुत सही। ऐसे ही सवाल कुछ मेरे पापा के मन में था कि तुम बच्चों को, यही तो मौका है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर का खाना खाएं, तुम इनको फिर बर्गर पिज़्ज़ा पर ले आई। तब मैंने उनको बताया कि पापा इसके अंदर जो स्टफ़ डाला गया है ये वो सब्जियां हैं जो वैसे खाने में ये नाक सिकोड़ते हैं। तो मैं चाहती थी कि हेतल जी ने जिस तरीके से आप सभी को बताया, आप भी इस बात को ज़रूर मानेंगे कि बच्चों को खिलाने के लिए आपको कोई ना कोई पैतरा अपनाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं वो किस तरह से बना रही हैं। ये देखिए कितना सुंदर और स्वादिष्ट बर्गर है, और आज के व्लॉग में मैं भूखे नहीं रहने वाली हूँ इतना, बिल्कुल भी। और मैं आपको बताऊँ जिस तरह से उन्होंने बर्गर बनाया, जो हमने लास्ट ऑर्डर किया था वो पिज़्ज़ा था और वो भी बड़ा कमाल का था। और आपको पता है वो पिज़्ज़ा का बेस किस चीज़ से बना था? आपको आइडिया भी नहीं रहेगा, जो बाहर मैदे का बेस मिलता है वो नहीं रहता है। फिर जो पिज़्ज़ा मैं बनाती हूँ उसका मूंग दाल का बेस बनाते हैं हम लोग। ये भगवान। तो आप पिज़्ज़ा खा भी लेते हैं, बच्चे पिज़्ज़ा खा भी लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उन लोगों ने क्या खा लिया। सो यही वो बच्चा जो वीडियो बना रहा है, क्योंकि जिसने सोचा था कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ बट उसको पता नहीं था कि मूंग दाल का। बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है। सो ये सारी प्रिपरेशन, ये आज अपने मुझे यहाँ हैप्पी बर्थडे का एक केक दिख रहा है, सो आप कुछ उसके बारे में बताएं। आज ये सारे जो चीज़ें मैंने बनाई है, पहले तो आपने जैसे देखा बर्गर, उसके बाद ये है बीट रूट का टिक्की बनाया है। जैसे बीट रूट भी जनरली बच्चे नहीं खाते, या हम लोग भी जो मैं देख रही हूँ बीट रूट का है तो एक्चुअली वही है, वरना बाहर जो कलर डालते हैं ये एक्चुअली जो बीट रूट है उससे ही बना हुआ है रियल। ये फलाफल बनाया है, उसके साथ ये फलाफल का डिप है। ये मैंने पनीर के रोल बनाए हैं यहाँ पे, और ये एक स्पेशल डिश है जो मैंने बताया था कुनाफे, तो ये कुनाफा है। सो देखिए कुनाफा मिल गया है आज के इस ब्लॉग में, बहुत कुछ मुनाफा भी है क्योंकि कुनाफा भी हमें खाने को मिलेगा, और ये सब कुछ हेल्दी है। मुझे तो सबसे ताजुब हो रहा है, मुझे लगा कि ये कोई लाल मरून रंग की कोई चीज़ है, बट एक्चुअली बीटरूट की। नॉर्मली कलर की वजह से भी हमें वो खाना या वो जो अवॉइड करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे उसको बहुत अचाव से खाते हैं, बट इसमें कोई कलर नहीं है, सो नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट्स, प्योर हेल्दी। सो अगर मेरे मसल्स आप एक दो महीने के बाद देखें तो आप जाहिर सी बात है आप समझ जाएंगे कि हेतल के खाने ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। तो आज तो एक्चुअली ये सारा जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ना, तो एक्चुअली ये मैंने कोई ऑर्डर के लिए नहीं किया है। आज मेरे दो फ्रेंड्स का बर्थडे है, तो हम लोगों ने बेसिकली सोचा है कि उनको सरप्राइज़ करेंगे। ऑब्वियसली कोई भी सरप्राइज़ इससे अच्छा और बढ़िया और हेल्दी सरप्राइज़ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
और आजकल का जो ट्रेंड है, जैसे हम लोग कभी किसी का बर्थडे हुआ तो हम लोग उनको कोई चीज़ें लेके देते हैं। आजकल सबके पास सारी ही चीज़ें रहती है, तो ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा अगर हम लोग किसी को ऐसा कुछ गिफ्ट हैम्पर देते हैं गिफ्ट में। बहुत यूनिक आइडिया है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी रहेगा जिस तरह से डेकोरेटिव वे में आप देंगे। डेफिनेटली सो आपका कहने का मतलब है कि ये तो मुझे कुछ नया कुछ आपके बारे में जानने मिला। सो अगर इसको ही गिफ्ट हैम्पर के रूप में आप बनाकर वही गिफ्ट हैम्पर बनाकर ही हम लोग अच्छा सो ऐसे ऑर्डर भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे किसी फ्रेंड के या मुझे मेरे किसी रिलेटिव या घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है बर्थडे है या कुछ एनिवर्सरी है क्या ऐसे भी कोई भी छोटी छोटी खुशियां हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ये गिफ्ट हैम्पर्स परफेक्ट है। सो घर में खाना बनाने का नो झंझट, और बाहर का खाना कैसा होगा उसमें क्या होगा, जैसे आजकल का ट्रेंड चला है ये कोरोना की वजह से, सो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। मैं चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी, हालांकि ये हमने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से आपका व्लॉग बनाऊंगी तो मैं प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि पहली बात तो ये मैंने इनको अप्रोच किया कि जो इनमें जो इतना अच्छा टैलेंट है और उसको इस खूबसूरती से वो पेश करती हैं, ये सभी को पता होना चाहिए, खासकर बच्चों को जो ये व्लॉग देख रहे हैं, कि उनको लगता है कि नहीं मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं बड़ी होऊंगी तो ये करूंगी। तो अगर आपको कुछ करना है, आप में वो जुनून है, पैशन है, तो उसके लिए आपको किसी समय का इंतज़ार नहीं करना है, किसी अच्छे मोमेंट का वेट नहीं करना है, जब जागो तब सवेरा। तो मैं बहुत ही खुश हुई हूँ कि आप ऐसे गिफ्ट हैम्पर्स हम किसी ओकेजनली कभी गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। सो देखिए, जो करेगा सेवा वो पाएगा मेवा। मैंने कितनी मेहनत की, व्लॉग बनाना इतना आसान काम थोड़ी ना है, अब ये सब मुझे ही खाना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दो बर्गर रखा है और ये दो कुनाफा, करेक्ट, कुनाफा। तो मैंने आपको कहा था कुनाफे पे मुनाफा तो होना ही है। बॉबी तब तक वीडियो बनाने में बिजी है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मैं खा रही हूँ, और मैं आप सभी से कहती हूँ आपको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। हेल्दी और सेहतमंद खाने के लिए मैं तो तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं? मैंने हेतल जी से बात की है, और यहाँ आने के बाद मेरा नज़रिया ही पूरी तरीके से बदल गया, कि जिस तरह से वो बना रही हैं और इतनी सारी वैरायटी हैं, और ख़ासकर ये बीटरूट वाले आइटम में तो मेरा दिल जीत लिया है। तो हेतल जी, क्या आप अपना फ़ोन नंबर और आपके जो फेसबुक का लिंक है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इस ब्लॉग में? हाँ जी, जिनको भी ऑर्डर करना है वो डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं मेनू जो भी है वो मैं उनको बता सकती हूँ। ये मैंने आपके सामने इनसे परमिशन ली, क्योंकि ये बहुत शर्मीली जिस बिंदास तरीके से ये बनाती हैं, लेकिन ये बात करने में थोड़ा झिझक के इनको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है मैं अपने स्तर पर ही कर रही हूँ, बट इतना अच्छा टैलेंट है, और ये जो जिस सादगी से ये सब कुछ करती हैं, मैं चाहती हूँ कि इसे ज़रूर बढ़ावा मिलना चाहिए। तो अगर आप भी घर का सेहतमंद हेल्दी फूड खाना चाहते हैं और अपने बच्चों को इस लॉकडाउन के समय में भी वो घर जैसे खाने की फीलिंग देना चाहते हैं, तो आज ही ऑर्डर करिए प्लेट्स एंड पॉट्स। यस, थैंक यू वेरी मच। आज के इस शुभ दिन हेतल जी एक नए वेंचर के बारे में आप सभी को बताने जा रही हूँ, और ये मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद बताएं। तो जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो जैसे फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं, किटी पार्टीज होती थी, हाई टी में हम लोग मिलते थे, सारा फन होता था, वो जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है। सो वही फन, वही सारी चीज़ें वापस लाने के लिए मैंने एक फ्लाइंग बफेट करके एक नया कंसेप्ट सोचा है। फ्लाइंग बफेट ओके, जिसमें हम लोग जैसे ऑनलाइन अभी आजकल फ्रेंड्स मिलते तो है, पर वो जो खाने का साथ में मज़ा आता है वो चला गया है घर पे, राइट। तो जैसे वो लोग ऑनलाइन मिलके भी हम लोग पार्सल उनके घर पे भेज देते हैं, खुद ही बना के हेल्दी खाना, बॉक्सेस उनके घर पे पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरह से आप अपना पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, और साथ में एक
सा फूड भी एंजॉय। सो वर्चुअल पार्टी में एक्चुअल खाने का मजा, पार्टी में एक्चुअल खाने का मजा। ओके, सो मैं ये गोलू मोलू से अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई। आप इनकी ग्लोइंग स्किन देख रहे हैं, ये सब इसी हेल्दी फूड का नतीजा है। मुझे यहाँ आकर सब कुछ बहुत अच्छा लगा, और बुरा लगा तो सिर्फ एक ही कि मैंने बहुत देर से ये खाना शुरू किया है। आप ऐसे ग्लोइंग स्किन होने तक मुझे पता नहीं कितने साल तक वेट करना पड़ेगा, है ना। सो उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया है। जल्द मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।